वाह फ्रेंड्स मार्केट में जियो फाइवर आ गया और जियो फाइवर इंस्टॉल भी कर लिए लेकिन मेरा ये पुराना राउटर का क्या होगा और ग्राउंड फ्लोर में नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ रहा है आइडिया दोस्तों चलिए इसको एक्सटेंडर बना देते हैं तब दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में इसका सेटिंग देख लेते हैं आप दोस्तों कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन खोल के कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए मैं गूगल क्रो में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इस गूगल क्रो में ओपन कर लिया है इसके बाद इसके पहले एक तो काम कर लिया है जो है जो राउटर है हम उसको रीसेट कर लिया है जो उसका पीछे रीसेट बॉटम है उससे हम रीसेट कर लिया है आप लोग भी इसको रीसेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ सेटिंग में जाके रीसेट करने में टाइम लग जाता है और ये वीडियो भी लंबा हो जाता है इसीलिए पहले ही हम रिसेट कर लिए हैं आप भी आप लोग भी सुविधा होगा कि पहले रीसेट कर लीजिएगा चलिए इसके बाद क्या है आपको खोजना है आईपी एड्रेस जो राउटर का आईपी एड्रेस उस सब राउटर का पीछे लिखा रहता है उसको देख लीजिए नहीं तो सर्च कर लीजिएगा गूगल में चलिए आईपी एड्रेस आई पी, हाँ, पी एस डाल रहे हैं आई पी एड्रेस डालने के बाद आपको यूज़र आई डी और पासवर्ड मांगेगा एडमिशन एडमिनिस्ट्रेशन जो यूज़र आई डी होता है और उसका पासवर्ड यहाँ मांगेगा यूज़र आई डी एडमिन होता है और पासवर्ड ज़्यादातर इसमें राउटर में एडमिन ही रहता है और देख लीजिएगा हर राउटर का पीछे यूज़र आई डी और पासवर्ड लिखा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र आई डी बोल के और पासवर्ड लिखा रहता है देखिए ये देने के बाद ये राउटर का सेटिंग पेज ओपन हो गया यहाँ, यहाँ दोस्तों एक बात का ख्याल रखिएगा कि हर राउटर का अलग अलग सेटिंग पेज होता है अलग अलग टाइप का ऐसा दिखने में अलग हो सकता है वहाँ जाके आपको रिपीटर डब्ल्यू आई एस पी इसको खोजना है देखिए मेरा पेज पेज ओपन होते ही सामने ही है रिपीटर डब्ल्यू आई एस पी मोड इसको सिलेक्ट कर लिए कोई कोई राउटर में पहले आपको वायरलेस वायर ई मोड ये मोड रहता है ई मोड मांगता है उसके बाद वायरलेस मोड में जाके राउटर और रिपीटर डब्ल्यू आई एस पी मोड उसमें दिखाई देता है जहाँ भी हो आपको रिपीटर डब्ल्यू आई एस पी यही मोड खोजना है यहाँ खोजने के बाद देखिए मेरा एक पेज में ही डुअल बैंड राउटर है मेरा ये दो बैंड दिखा रहा है एक तो फाइव जी घर्ट्स का और एक तो टू पॉइंट फोर जी घर्स का यहाँ नाम चेंज करना करने का भी ऑप्शन है कोई भी नाम आप डाल दीजिए सबसे अच्छा होता है जो राउटर में आप कनेक्ट कीजिएगा वही नाम दीजिएगा साथ में एक्सटेंडर बात यही यही जोड़ दीजिएगा ई एक्स टी और एक्सटेंडर हाँ ये वर्ड आपको ऐड कर लेना है तब ढूंढने में सुविधा पड़ता है जब आप राउटर को सर्च कीजिएगा नेटवर्क को देखिएगा उस टाइम में एक्सटेंडर लिखा रहने से आपको खोजने में बहुत बहुत सुविधा होगा इसीलिए हम यहाँ सेम नाम छोड़ देते हैं जो डिफ़ॉल्ट नाम है उसका साथ में ई एक्स टी ई एक्स टी खाली यही बात जोड़ दिए दोनों में और पासवर्ड यहाँ यहाँ पासवर्ड भी मांगेगा आपको पासवर्ड दे देना है यहाँ वर्ड और नंबर ये कॉम्बिनेशन एट मिनिमम एट डिजिट कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए लेकिन कॉम्बिनेशन क्योंकि कोई कोई राउटर में कॉम्बिनेशन नहीं रहने से नहीं लेता है इसलिए फिर आपको फिर से आपको सेटिंग करने पड़ेगा इसीलिए सबसे अच्छा है एक तो कॉम्बिनेशन इसमें डाल दीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन पासवर्ड कोई कोई राउटर में देखिएगा कि डब्ल्यू आई एस पी सिलेक्ट करने के बाद ये पेज नहीं ये दूसरा पेज आगे पेज में ये दिखाई देता है राउटर का ब्रांड का नाम आपको यहाँ एक तो सर्च ऑप्शन दिखाई देगा डब्ल्यू आई एस पी रिपीटर डब्ल्यू तो आई एस पी सिलेक्ट करने के बाद एक सर्च ऑप्शन देगा सर्च ऑप्शन आपको सर्च करने से ही ये देखिए साइट सर्वे मेरा यहाँ साइट सर्वे करके दिखा रहा है इसको क्लिक करने से ही कोई कोई राउटर में यहाँ सर्च ऑप्शन देगा साइट सर्वे के जगह में आपको ये ऑप्शन देगा और कोई सेटिंग में दोस्तों हाथ देना नहीं है और कोई सेटिंग चेंज नहीं कीजिएगा खाली सर्च कीजिएगा सर्च करने से ही देखिए जो आपका रेंज में जितना राउटर है जितना वा, आपका वाईफाई नेटवर्क है वो दिखाएगा आप अपना जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं वही सिलेक्ट कर लीजिए सिलेक्ट करते ही आपको पासवर्ड मांगेगा यहाँ भी कहाँ पासवर्ड बोल के मांगता है मे मेरा यहाँ देखिए पी की बोल के मांग रहा है पी की लेकिन आप जिसमें कनेक्ट कीजिएगा उसको उसका पासवर्ड जरूर मांगेगा पासवर्ड बिना पासवर्ड के तक आपका कनेक्ट नहीं होगा इसीलिए आपका पासवर्ड जरूर मांगेगा और पासवर्ड जरूर देखिए और खाली नाम नाम इधर उधर हो सकता है लेकिन देखिए एक तो पासवर्ड का ऑप्शन जरूर देगा आप पासवर्ड वहाँ दे दीजिए वो राउटर जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं वही राउटर का आपका पासवर्ड देना है आप देख के खाली मेरा देखिए सेव एंड अप्लाई नीचे ऑप्शन दे रहा है को, कोई 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 जगह सबमिट देगा सबमिट हम सेव एंड अप्लाई में क्लिक कर करेंगे देखिए इसके बाद क्या होगा आपका राउटर रिबूट मोड में चला जाएगा राउटर पूरा नया रिबूट होगा इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा हम थोड़ा फास्ट कर दिया है देने के लिए देखिए थोड़ा फास्ट हो रहा है लेकिन इसमें आपको मिनिमम डेढ़ से दो मिनट लगेगा मतलब पचहत्तर सेकेंड से सौ सेकेंड तक टाइम लेता है याद रखिएगा इस टाइम में रिबूट के टाइम में आपका राउटर बंद करना नहीं चाहिए इसमें राउटर का प्रॉब्लम होता है इसीलिए थोड़ा टाइम लेके इसको रिबूट होने दीजिए रिबूट होने के बाद ज़्यादातर राउटर कनेक्ट हो जाता है नेट कनेक्ट हो जाता है और कोई कोई राउटर में आपको फिर से नेटवर्क सेटिंग में जाके देखिए वो आपको राउटर का नाम दिखाई देगा वहाँ देखिए मेरा कनेक्ट हो गया यूट्यूब भी चैनल लगा नेटवर्क कनेक्ट हो गया और नहीं होने से फिर नेटवर्क में जाके आप सर्च कीजिएगा और राउटर का नाम जो एक्सटेंडर का नाम है उससे सर्च करके वही नाम से कनेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों आपका काम हो गया अब इसके बाद राउटर को जहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम वहाँ रख दीजिए ये जो राउटर हम सेटिंग करके आपको दिखाएंगे डीलिंग का एट जीरो नाइन सी है डीलिंग का राउटर में ज़्यादातर यही सेटिंग रहता है यही लुकअप आप आपको मिलेगा लेकिन दूसरा कंपनी में सेटिंग पेज में थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन बेसिक चीज़ यही है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा तो कोई भी राउटर हो आपको सेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और जाने के टाइम में सब्सक्राइब करने में नहीं भूलिएगा